प्रदीप लारिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सागर मामले में कांग्रेस राजनीति कर रही है। जब 2019-20 में कमलनाथ की सरकार थी तब से ही प्रदेश में आपराधिक मामले शुरू हुए। सागर में दलित युवती अंजना हिरवार की मौत के बाद प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस इस पूरी घटना की जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि 2019-20 में जब अंजना अहिरवार ने शिकायत लिखवाई थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अगर उस समय समुचित कार्रवाई हो जाती तो ये मामला इतना नहीं बढ़ता। उस समय कांग्रेस का दलित प्रेम कहां गया था? भारतीय जनता पार्टी दलित समाज का पूरा सम्मान करती है। प्रदीप लारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री विषय की गंभीरता को देखते हुए सागर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और 8,25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जब कमलनाथ जी की सरकार 2019 की बात करें या 2020 की बात करें, ये घटनाक्रम यदि 2019 से ही प्रारंभ हुआ है। 2019 में जब अंजना अहिरवार जी, जो अभी हम सबके बीच में नहीं है, उसी समय उन्होंने अपराध क्रमांक 27/2019 में उन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनकी बात नहीं सुनी गई, आधी अधूरी रिपोर्ट लिखी गई, उन्होंने छेड़छाड़ की भी बात कही थी, लेकिन सामान्य मारपीट का मामला दर्ज कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार के समय हुआ। यदि उसी समय समुचित कार्रवाई हो जाती तो ये मामला यहां तक नहीं बढ़ता। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।